राजधानी की केजरीवाल सरकार पिछले दिनों से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान चला रही थी। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार हर संभव मदद और प्रयास भी कर रही है। इसी मामले में राजधानी की दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए एक खुशखबरी दी है। दिल्ली ऊर्जा मंत्रालय के एक ऑर्डर के अनुसार हर पार्किंग में क्षमता का 5% इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिजर्व रखना होगा। दरअसल सरकार राज्य भर में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। इसी वजह से राजधानी के परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बदला जा रहा है। सरकार ने आदेश दिया है कि हर सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल जिनकी 100 वाहनों से ज्यादा की पार्किंग कैपेसिटी है, उन्हें अपनी पार्किंग क्षमता का 5% ई वाहनों के लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स मालिकों को इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्जर्स की भी सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए सभी मालिकों को दिसंबर तक का समय दिया जाएगा और उन्हें 6,000 तक की सब्सिडी भी मिलेगी। बता दें कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय से सरकार को राजधानी में दिसंबर तक 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक चार्जर्स लगने की उम्मीद है। वहीं सरकार ने टाटा नेक्सन के इलेक्ट्रिक कार मॉडल पर दी जा रही सब्सिडी सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इसको लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि टाटा नेक्सन के इलेक्ट्रिक कार मॉडल के सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को लेकर परिवहन विभाग में कस्टमर से लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों की वजह से ही दिल्ली सरकार ने सब्सिडी सस्पेंड करने का निर्णय लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।